मथुरा में मोहन भागवत का तीसरा दिन आज है और आज शाम 6 बजे तक सत्र संपन्न होगा और कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा भी होगी। लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा असंभव है। करीब 55 संघ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दो दिन में पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में प्रचारकों के साथ बैठक हुई है और संयुक्त क्षेत्र की बैठक में 6 सत्रों में चर्चा हुई। मथुरा दौरे पर रहेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष, जिला पंचायत प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से भूपेंद्र चौधरी संवाद भी करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर संवाद होगा। यूपी की 80 सीटों पर जीत का मंत्र भी भूपेंद्र चौधरी देंगे आज। तो आज का दिन बेहद खास है और आज मथुरा दौरे पर रहेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष। इसके अलावा आपको बता दें कि जिला पंचायत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी है। यूपी की 80 सीटों पर जीत का मंत्र देंगे। दो दिन के अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। 24 अगस्त और 25 अगस्त को प्रस्तावित कई कार्यक्रमों में पहुंचेंगी। कई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी। गांव में चौपाल लगाकर समस्याएं सुनेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो दो दिन का यह अमेठी दौरा है और बताया जा रहा है कि कई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी, चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। और मथुरा में सड़क हादसा हो गया जहां दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 की मौत हो गई है। एक घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सतेंद्र आकाश गांव सेलखेड़ा के थे रहने वाले। मृतक राहुल बलदेव के गांव चौली का रहने वाला था। थाना महावन क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दो बाइक आपस में भिड़ गए जिसके बाद दो लोगों की इसमें मौत हुई। हालांकि हादसे में 3 लोग की मौत की खबर है। 3 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में। लगातार तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि तेज रफ्तार थी दोनों की या फिर दोनों आमने सामने से आ रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे। लेकिन 3 की मौत से फिलहाल तमाम जगहों पर सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। देहरादून से खबर मिल रही है धामी कैबिनेट की बैठक आज। कई प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और धामी कैबिनेट की जो अहम बैठक है उसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान होगा कि किस दिन से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दौरान ही तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत और मंथन किया जाएगा। लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म गदर 2 के कलाकारों और निर्देशक ने मुलाकात की है। ये मुलाकात सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुई है। इस मुलाकात को लेकर सीएम योगी की तरफ से सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट भी किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में सीएम योगी के साथ गदर 2 के कलाकार उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, लव सिन्हा, मनीष वाधवा भी दिख रही हैं। साथ ही फोटो में फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा भी दिखाई दिए हैं। सीएम योगी ने पोस्ट में लिखा है, लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर फिल्म गदर 2 के निर्देशक एवं कलाकारों से शिष्टाचार भेंट हुई है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक्टर रजनीकांत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था।